सावन के पावन महीने में लोग बड़े धूमधाम से शिव बाबा भोले भंडारी की पूजा अर्चना करते हैं। ये महीना भोले भक्तों के लिए बड़ा महत्व रखता है। इस महीने में बाबा शिव के दिन यानी कि सोमवार को व्रत रखने की प्रथा है। इसमें सबसे ज्यादा लड़कियां आगे होती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी मान्यता है कि उन शिव जी की पूजा कर वो एक अपने सही और अपनी जिंदगी के एक सच्चे हमसफर यानी वर को चुनने के लिए शिव जी की अर्चना करती है। लेकिन अगर इस व्रत में खान पान का सही ध्यान नहीं रखा गया तो आपके स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं हो सकती है, तो ऐसे में आपको अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो क्या है सावन के महीने में खाने पीने का सही तरीका, वो आज हम आपको बताते हैं। खाने में किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, या अगर आप लोग सूर्यास्त के बाद सिर्फ एक शाम का ही भोजन करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो व्रत में दिन कई बार फल और फूलों का जूस आदि लेते हैं ताकि शरीर में ऊर्जा बनी रहे। व्रत के दौरान 500 से 750 मिलीलीटर दूध या दही और 30 से 50 ग्राम पनीर या चना जरूर ग्रहण करना चाहिए। यह भी आपकी ऊर्जा को बनाए रखने में कारगर होता है। आप चाहें तो मूंगफली मखाना आदि भी ले सकते हैं। इसके अलावा दिन भर में 7 से 8 गिलास पानी जरूर पिएं, ये बिल्कुल भी ना भूलें। वहीं इसके अलावा स्वास्थ्यवर्धक सिंघाड़ा, चटपटा फलहारी, उपमा, साबूदाने की शाही खीर या फिर चटपटी भुजिया सेब का भी सेवन व्रत के दौरान कर सकते हैं। तो ये थे वो भोजन जो आप व्रत के दौरान कर सकते हैं जिससे आपको समस्या नहीं होगी। अगर आप व्रत के दौरान खाने पीने को नजरअंदाज करते हैं तो आपकी सेहत के लिए बड़ी समस्या हो जाती है। तो हमारे द्वारा बताए गए इन उपायों को आप जरूर अमल करें और अपने व्रत के दिनों में अपने आप को स्वस्थ रखें। क्यूरियन हेल्थ की रिपोर्ट।